वाह भाई वाह, माशाल्लाह यार, सलाम। अच्छा अच्छा, ये भी देखे नाम लिख दिया उसने। ठीक भाई, यहाँ पे हमें जो है ना एक इत्र पसंद आ गया, उसका नाम है मस्क है। आए आए। ये वाली बकूर है भाई, इसको ना सऊदी लोग इस तरह करके ना कपड़ों के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूँ साजिद रहमान और खुश आमदीद एक नई वीडियो के अंदर। आज की फिर से मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ मस्जिद नबवी हरम पाक के अंदर से। तो आज जो है ना इरादा के मदीना मुनव्वरा को रात के वक्त एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद मैं मदीना में रात के वक्त आया। अभी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के पास, वहाँ पे जाके जो है ना एक तो खूबसूरत जालियों का जो है उनकी ज़्यारत करेंगे और वहाँ पे जाके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं बाबिल सलाम की तरफ। बाबिल सलाम वो दरवाज़ा है, ठीक है, जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सलाम पेश करना होता है, जब जालियों की हमने ज़्यारत करनी होती है ना, तो बाबिल सलाम से हम इंटर होते हैं। अभी यहाँ से ये बिल्कुल एग्जैक्ट अभी मैं बाबिल सलाम के अंदर इंटर हो गया माशाल्लाह। और अभी इस टाइम ज़्यारत करने का एक अपना ही मज़ा आना है माशाल्लाह, क्योंकि रश बहुत कम है और आराम आराम से जो है ना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है ना एक तो सलाम पेश करेंगे माशाल्लाह। बेशक जो है ना हर रोज़ हज़ारों फरिश्ते आते हैं स्पेशल इस जगह पे सलाम पेश करने, तो ये अल्लाह ताला बस कबूल करे। और मेरी दुआ है कि जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबके यहाँ पर हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। तो ये अभी आपको जो सामने जालियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये है वो जालियाँ माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही व बारिक व सल्लम। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले दुरूद पाक भेजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उसके बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो सलाम कहा जाता है ना, वो कहाँ पर पेश करते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो सामने देखें लिखा हुआ है अरबी ज़बान में, हीना अस्सलाम अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इस जगह पे आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश किया जाता है। अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये वाला ठीक है, यहाँ पर जो है ना हज़रत अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उनके ऊपर सलाम जो है पेश किया जाता है, अस्सलाम अलैका या हज़रत अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। और उसके आगे जो है ना उमर बिन अल खताब है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम उमर बिन अल खताब रज़ी अल्लाह अन्हु, माशाल्लाह। अच्छा, मैं अपने देखने वालों के लिए जो है ना एक बात बता दूं, ताकि इंफॉर्मेशन में जो मुझे पता है कि अगर आप पहले कोविड में क्या था कि अगर आपने रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देनी है, सलाम कहना वहाँ पर जालियों के पास जाके, तो आपको ना परमानेंट रिक्वायर्ड होता था, ठीक है। वो कोविड की वजह से रिक्वायर्ड हुआ था, क्योंकि एक ना मतलब कि लिमिट थी कि उतने ही लोग जा सकते हैं, ठीक है, उतने ही लोगों को परमिट इशू किया जाता था। लेकिन अभी परमिट कोई रिक्वायर्ड नहीं है। आपने अगर मस्जिद नबवी के अंदर हरम पाक के अंदर आके नमाज़ पढ़नी है, या आपने जो है ना रोज़ा रसूल के पास जाके सलाम पेश करना, तो कोई परमिट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपने रियाजुल जन्ना में जाके नवाफिल अदा करनी है ना, तो आपको परमिट चाहिए होगा, ठीक है। और दिन में मर्दों के लिए रियाजुल जन्ना ओपन किया होता है, और रात के वक्त जो है ना इशा के बाद स्पेशली औरतों के लिए ओपन किया जाता है, ठीक है। अब परमिट कैसे लेना, आपने तवक्कलना पे भी मिल जाता है। और दूसरी एप्लीकेशन कौन सी अमर भाई? NUSUK दिखाई दे रहा है, ये ओपन कर रहा है। तो भाई अभी हम लोग मस्जिद नबवी से आ गए हैं बाहर, ठीक है, माशाल्लाह काफ़ी हद तक मौसम चेंज हो चुका है, इसलिए मैंने देखें अपर पहना भाई अपर, ठीक है, पहले दिन पहना आपके भाई ने अपर, ठीक है, माशाल्लाह भाई लग कैसा रहा है। और आमिर भाई ने जी कैप पहन ली है, गर्मा गर्म कैप। यार मदीना की सबसे जो माशाल्लाह, इसमें हम तारीफ क्या करें, सबको पता है कि आप जो है ना रात को आएँ दिन को आएँ किसी भी टाइम आए आप, ठीक है, एक तो यहाँ पे माशाल्लाह सही रौनकें लगी हुई हैं। तकरीबन अभी क्या टाइम हो रहा है, आलमोस्ट 9 हो गए हैं, मतलब कितने बजे, 4 से लेके 9, 5 घंटे हो गए हमें मतलब इधर उधर घूमते हुए। लेकिन मज़ा आ रहा है, दिल कर रहा है यार अभी उस तरफ चलें, ठीक है, वो जगह नहीं देखी, उस तरफ चलते हैं। ये सामने मस्जिद घुमा मैं, ठीक है भाई, ये वाली अभी जूम कर दिखाता हूँ आप लोगों को, ये वाली ये मस्जिद का मामा, ठीक है, रात के वक्त देखें कितनी खूबसूरत लग रही है मस्जिद का मामा। बहुत सारे लोगों को इस मस्जिद का मामा का नहीं पता, ठीक है, वो वाली मस्जिद है जहाँ
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी दो ईदें अदा की थी यहाँ पे, ठीक है। तो यही मस्जिद है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए दुआ भी फरमाई थी, ठीक है, मस्जिद हुमामा। माशाल्लाह क्या रौनक लगी हुई है यार। ये रात के वक्त देखें, ये जो मस्जिद हुमामा के पास है ना, एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, यहाँ पर लोग आके बैठते हैं देखें। और सामने देखें वो जो आपको गुंबद नज़र आ रहे हैं ना वो वाले, ये है मस्जिद नबवी के। और ये जो स्टेशन नज़र आ रहा है आपको भाई, ठीक है, ये एक बस स्टेशन है। ये वो वाली बस का स्टेशन है जो मदीना की सारी ज्यारतें करवाती है, ठीक है। देखिए ये वाली ज्यारतें करवाती है ये बस, ठीक है, अल मनाखा स्क्वायर, ये सारी ज्यारतें मतलब यही करवाती है। ये वाली बस की टिकट आई थिंक 80 रियाल की टिकट है, ठीक है। तो 80 रियाल की टिकट है जो है 24 आवर के लिए वैलिड होती है। आप टिकट परचेज़ करें, टिकट परचेज़ करके आप सारी ज्यारतें करें जो है ना इसी बस के ज़रिए। बच्चे जो है ना ये देखें साइकिलिंग कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो शॉपिंग वाली चीज़ें ना वो औरतों के लिए है, जैसे ये सामने दुकान है, अब आए वाली दुकान है, ठीक है भाई। ये वाला कप लिया, इसके ऊपर अभी अपना नाम लिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आप कप चूज़ करें और फिर जो है ना वो आपको नाम लिख देंगे, ठीक है। ये कप लिया, इसके ऊपर अभी नाम लिखाते हैं, नाम जो है ना वो लिख के देंगे। माशाल्लाह या सलाम। अच्छा अच्छा ये भी देखे नाम लिख दिया उसने, ठीक है। आप कौन सा भी आमिर नाम चाह रहे हैं वो नाम लिख देंगे, ठीक है। ये भाई आमिर भाई ने लिखवाया अपना नाम आमिर सुल्तान, ठीक है। और ये मैंने लिखवाया साजिद। दो कप लिए हैं, एक मैंने लिया है, ठीक है। मैंने सिर्फ साजिद लिखाया, आमिर ने जो है ना आमिर सुल्तान एक तरफ और दूसरी तरफ AS लिखवाया। ये तो ज्यादती है भाई। अच्छा उसने लिए 10 रियाल हमसे, ठीक है। अगर आपने एक ही तरफ नाम लिखाना है तो कप और इंक्लूडिंग है वो जो है ना नाम लिख के देगा, ठीक है, 10 रियाल लेगा। अभी क्या पसंद आ गया भाई? यहाँ पे हमें जो है ना एक इतर पसंद आ गया, उसका नाम है मस्क है। ये वाला हमें पसंद आया, ठीक है। ये 20 रियाल का दे रहे हैं एक। ये वाली बकूर है भाई, इसको ना सऊदी लोग ना इस तरह करके ना अपने कपड़ों के अंदर। और ये मज़ा आ गया भाई, इसी तरह सऊदी है ये। तो यार ये वाली जगह ना बड़ी अच्छी जगह, ठीक है, मतलब रात के वक्त माशाल्लाह बड़ी रौनक है। और इस जगह पे आ गए ना ख़ास तौर पे ना हमें मतलब के अपना पाकिस्तान याद आ गया, ठीक है, बिल्कुल वैसी ही रौनक है। और यहाँ पर एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर अगर आपने कोई भी चीज़ लेनी है तो बड़ी रीज़नेबल प्राइस है। ये जगह विज़िट करें माशाल्लाह, बहुत आप भी इंजॉय करेंगे। अभी रात के तकरीबन 10 के ऊपर टाइम हो गया अमर भाई, चेक करो आलमोस्ट 10:15 हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे जैसे बस यकीन करेंगे भी सुबह हो रही है, इस तरह रोने के लगी है माशाल्लाह। जुमेरात की रात है ना, इसलिए भी है अभी। ये देखें, चले आ जाए अमर भाई, अभी तक चलते हैं। यहाँ पे गोल्ड की दुकानें भी हैं, अगर आपने गोल्ड लेना, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये गोल्ड की दुकान है, ये देखिए। और ये भी गोल्ड की दुकान है, ये वाली देखिए, इस तरह से गोल्ड की दुकान भी यहाँ पे है, ठीक है। और भी कपड़े वाली अबाए वाली दुकानें सारी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रौनक है। हाय हाय हाय, ये ड्रिफ्टिंग हो रही है भाई। ओके भाई थले ना दमी की दे किसी नु। आमिर यार इसमें लेना एक दफा झूले मैया ने लिए इसने हिलना भी नहीं। आमिर को डाउट है कि अगर आमिर इसमें बैठ गया ना तो ये नहीं चलने वाली उससे बेचारे से। जो पैडल वाली ना वो पैडल वाली वो तो नहीं चलेगी, अगर इलेक्ट्रिक वाला ना कोई बैटरी वाली वो चल जाएगी, आमिर वो तो खींच लेगी यार तुम्हें नहीं। ये देखिए कितना कमाल का पत्थर है यार, हाय हाय वो तो चेक कम आ रहा दिख रहे हैं। शू 420 से आ रहा
भाई अगर आपके पास जेब में पैसे हैं और वो जेब में नहीं ठहर रहे ना, तो फिर इस तरह का बंदा आप ढूंढ लें, कोई अच्छा सा जो ना, अच्छा सा नहीं मैं कहूँगा, इस तरह का खर्चाऊ दोस्त ढूंढ लें, ठीक है। यकीन करें मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब इस जगह पे ना घूमने फिरने आया था, मैं सोचा चलो जो नाइट व्यू जो ना, नाइट लाइफ मदीना की एक्सप्लोर करते हैं, और मदीना की ये नाइट लाइफ एक्सप्लोर करते करते ना 200 रियाल से हमने ऊपर खर्च दिए हैं, ठीक है। कोई दुकान नहीं छोड़ी अमर भाई ने जिसके अंदर अमर भाई ना गए हों, ठीक है। तो अभी आखिर में विंडो शॉपिंग की है, विंडो शॉपिंग हमने की, पहले अमर भाई चले गए हैं जी पत्थर वाली दुकान पे, यानी रिंग वाली दुकान पे, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये अभी आते आते जो ना हमने ये रिंग ली है, ठीक है, उसने मतलब मैं वीडियो नहीं शूट कर सका इस चीज़ की, पसंद आ गई थी, ठीक है। 150 रियाल की रिंग ली है माशाल्लाह, क्या नाम है अमर भाई इसका यार, मुझे नाम नहीं आता, ये फिरोजा है निशापुरी। तो ये हमें 150 रियाल का मिला है, ठीक है, माशाल्लाह। तो वो भी वो दे नहीं रहा था, हाँ दे नहीं रहा था, लेकिन हम ये था कि हमने यहाँ से निकलना है यार, वो नहीं बोलेगा इतने प्राइस, ठीक है। उसने मेरा 300 कुछ से शुरू किया है, हमने ना लेने के लिए हमने कहा जी 150 लेकिन फंस गए। तो अमर भाई ने कहा, उसने 300 बताया, अमर भाई से मैंने पूछा अपनी लैंग्वेज में, वो अरबी था, तो मैंने पूछा कितने का होना चाहिए, अमर बोला ये 150 का, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको बोला 150, मैंने कहा बोला ये ना हो गया, मैं धक्के मार के दुकान से निकाले वो, कि यार तुम लोग जो ना हाफ हाफ प्राइस बता रहे, लेकिन वो भी सवा शेर, हम लोग शेर, वो सवा शेर था, ऐसे ही थे ना, वल्ला ऐसे ही हुआ, मतलब हम दुकान से बाहर निकल गए थे, ठीक है। पहले बोला वो 250-200, पीछे से भी उसने आवाज़ दी, कहता भाई 180 हमने भी कहा नहीं, हमने भी कहा कि 150 से ज़्यादा नहीं देने, ठीक है। तो 150 हमने पे की है, ठीक है, कि हमने इतर ली है और वो कप ली जिसके ऊपर हमने अपना नाम लिखवाया, और ये तस्बीह भी ली हमने, तस्बीह भी लिया बिल्कुल, और ये हमने एक पत्थर लिया, ठीक है। तो अच्छी जगह ये घूमने फिरने के लिए और स्पेशली शॉपिंग के लिए, अगर आप रात को मदीना में स्टे कर रहे हैं ना, तो आप ये जगह ज़रूर विज़िट करें, ठीक है। मैं इस जगह की लोकेशन जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी बस जो है ना इस वीडियो को अमर भाई ख़त्म ही किया जाए, काफ़ी टाइम हो गया, अभी नींद भी आ रही है, क्योंकि सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़नी है और फिर जुमा भी अदा इंशाल्लाह यहाँ ही करेंगे। आज तक की वीडियो से मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अमर भाई, अल्लाह हाफिज़।